एतमाद का वोट परवेज इलाही ने गवर्नर की एडवाइस मुस्तरद कर दी। गवर्नर बलीगुर रहमान ने शाम 4 बजे एतमाद का वोट लेने का कहा था। गवर्नर बलीगुर रहमान का वजीर आला के नाम दोबारा मुरासला लिखने का फैसला। जनूबी पंजाब के MPs के भी लाहौर में डेरे। उधर तहरीक इंसाफ का कल गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज का ऐलान। इमरान खान अहम ऐलान करेंगे। मुल्तान के शहरियों के मसाइल का होगा अजाला। कमिश्नर मुल्तानी कॉरपोरेशन तरक्याती बजट 2022-23 की मंजूरी दे दी। कमिश्नर की सिरे सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम बारे जायजा इजलास हुआ। 58,88,62,000 की 83 स्कीमों की मंजूरी दी गई। स्कीमों की तकमील में शिफाफियत यकीनी बनाने का हुक्म। कॉरपोरेशन हदूद में टफ टायल्स कारपेटिंग रोड्स बनाने की स्कीमें शामिल। सर्द मौसम में शिद्दत आते ही गैस नायाब हो गई। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में घंटों गैस की लोड शेडिंग जारी। कहीं गैस प्रेशर कम और कहीं बिल्कुल गायब। चूल्हे ठंडे पड़ गए। अमूर खानादारी शदीद मुतासिर है। शहरी महंगी LPG और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर। शहरियों का हुकूमत से गैस की बंदिश को खत्म करने का मुतालबा। लोड शेडिंग है, 20-20 घंटे गैस नहीं आती, इतना बिल आता है, क्या करे, कहाँ जाए बंदा। एक टाइम की रोटी बड़ी महंगी हो जाती है हमें, तो क्या कमाए और क्या खाए बंदा। और हुकूमत से यह है कि इल्तजा के गैस की लोड शेडिंग कम कर ले। सुबह सुबह गैस भी नहीं होती, बच्चे पढ़ने जाते हैं, कारोबार पे हम जाना होता है, ड्यूटी पे जाना होता है, गैस होती नहीं। फिर सुबह सुबह नाश्ता लेने के लिए अब गैस भी नहीं है घर में, क्या करें, नाश्ता इधर से लेने। अद्वियात का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुजफ्फरगढ़ में मौसमी तब्दीली से मुतासर मरीजों में इजाफा। जनूबी पंजाब के बेशतर शहरों में जतुई और अलीपुर में पैनाडोल नायाब। बहावलपुर में मेडिकल स्टोर्स मनमानियों पर उतर आए। रहीमिया खान में इंसुलिन गायब। डायबिटीज के मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। अद्वियात के मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। पैनाडोल डब्बे की कीमत 250 से 800 रुपये पर पहुँच गई। शहरी बुनियादी अद्वियात की किल्लत पर परेशान। इधर मैं अभी पैनाडोल लेने आया बुखार के लिए। मेरा भाई छोटा भाई बुखार में तड़प रहा, बोल पैनाडोल लेने आया, पैनाडोल नहीं मिल रही। ठीक है, उसके बाद मेरे बाबू को क्या ब्लड प्रेशर का मरीज है, उनको मैं एक दवाई लेने आया, वो भी नहीं मिल रही। पिछले 1.5 महीना हो गया इंसुलिन ढूंढ रहा हूँ, और शुगर की भी पेशेंट है, इंसुलिन भी नहीं मिल रही। समझ नहीं आ रहा कब तक नहीं मिलेंगी, 1.5-2 महीने हो गए शॉर्ट चल रही है। बहुत ज़्यादा मसले हो रहे हैं, हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। क्या कर रही है हुकूमत? कुछ भी नहीं कर रही हुकूमत, सो रही है, मजे ले रही है, अपनी सियासत के पीछे भागे हुए हैं सारे, अपनी सीट के पीछे। आवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं है। देखें जी, हुकूमत को सोचना चाहिए कि एक गरीब आवाम परेशान है। दूसरी बात यह है कि सरकारी अस्पताल है, इधर कोई दवाई नहीं आ रही, बाहर भी कोई दवाई नहीं आ रही, मल्टीनेशनल तक कंपनियां शॉर्ट, मेडिसिन शॉर्ट हैं। अब ये देख लें, एरिनिक फोर टैबलेट होगी, पैनाडोल होगी, पैनाडोल सिरप वगैरह हो गए, कालपोल टैबलेट होगी, मजीद काफ़ी सारी दवाइयाँ जो हैं शॉर्ट हैं। गरीब आदमी के लिए बच्चियों की शादी पर जेवरात खरीदना ड्रोना ख्वाब बन गया। डॉलर की गैर मुस्तहकम पोजीशन सोने की कीमत पर असरअंदाज। सोने की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला 1,75,000 तक पहुंच गया। बहावनगर में शहरियों को शदीद मुश्किल। आज भी सर पकड़ कर बैठ गए। करोड़ों लागत से बनने वाला विहाड़ी मॉडल बाजार फाल ना हो सका। इंतजामिया नाअहली के 22 बाजार में वीरानियों के डेरे। शहरी इंतजामिया के अदम तवज्जो पर शिकवाए गुना। कहा मॉडल बाजार का महाना खर्च आमदनी से भी दोगुना है। इंतजामिया की जल्द बाजार की रौनकें बहाल कराने की यकीन दहानी। मुल्तान में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। मेपको टीमों ने एक रोज में 40 सारिफिन को बिजली चोरी करके पकड़ लिया। 80,000 यूनिट्स बिजली चोरी करने पर 18,71,000 रुपए जुर्माने आयद किए। दिसंबर
मुंबई की सर्दी में सियासी माहौल गरम, मुल्की इस्तेकाम के लिए फौरी इलेक्शन बेहद जरूरी है। मुल्तान में मुशीर बराए वजीर आला तारिक जमान गुजर की रोही से गुफ्तगू, कहा इमरान खान के एक इशारे पर असेंबलियों को तहलील कर देंगे, पाक फौज की असमत और कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की शरह में इजाफा, महकमे स्कूल रहीमयार खान ने दर्जा चौहारन की 326 सीटों पर भर्ती के लिए 25,000 दरख्वास्तें मसूल, किस्मत आजमाने 25,000 से जायद उम्मीदवार इंटरव्यू देने पहुंच गए। जनूबी पंजाब भर में अर्ली चाइल्ड एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए इकदाम, मुल्तान समेत मुख्तलिफ इजला के अर्ली चाइल्ड क्लासेस रूम्स की तजीन और आराइश जांच की गई। मॉनिटरिंग रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर के 36% और डीजी खान के 27% स्कूल की तजीन और आराइश दोबारा की जाएगी। लैयम में 35%, लोधरा में 51%, मुजफ्फरगढ़ के 27 और रहीमयार खान के 70% स्कूलों में अर्ली चाइल्ड एजुकेशन पर काम होगा। तमाम एईओस को बजट बनाकर जमा कराने की हिदायत। पौधों की नर्सरियों के मालिकान हो जाएं होशियार, पंजाब हुकूमत और फेडरल सीड सर्टिफिकेशन का नर्सरियों का रजिस्ट्रेशन का फैसला, फलों की पैदावार में करोड़ों की सब्सिडी का ऐलान। नर्सरी मालिकान को शेड टनल और नर्सरी आलात पर 3 लाख फराहम किए जाएंगे। महकमे ज़राअत के मुताबिक फेडरल सीड सर्टिफिकेशन और महकमे ज़राअत रजिस्ट्रेशन कर रही है। दूर डेप्टी कमिश्नर तोनसा बिराजपुर बंद होने पर इनएक्शन, डीसी की डीएसपी समेत किसानों से अहम मीटिंग। डेप्टी कमिश्नर का कहना है किसान रात 12 से सुबह 5 बजे तक बिराज से गुजरेंगे, अब ट्रालियों की वजह से घंटों रोड ब्लॉक नहीं होगा। किसानों का डीसी से इजहार तशक्कुर। इसके हवाले से जरा इंतजामिया के इकदाम, लैया में 3 क्रिसमस सस्ते बाजार कायम करने का फैसला किया गया। डेप्यूटी कमिश्नर फरहद हुसैन फारूक की जेर सदारत बैन मसाहिब कमेटी का इजलास, उधर डीपीओ बिहारी मोहम्मद जफर गुजार की क्रिश्चियन कम्युनिटी के ओहदेदारान और पुलिस अफसरान से मीटिंग। क्रिसमस पर सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। डीपीओ का कहना था कि क्रिसमस पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। जरई यूनिवर्सिटी मुल्तान में ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनाकाद, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में 2 माह के ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी आगाज हुआ। ट्रेनिंग प्रोग्राम में तुलबा को बिजनेस आइडियाज बारे कोचिंग मुहैया की जाएगी। वर्कशॉप का मकसद तुलबा को कारोबारी जहनी शौर और तरबियत देना था।